नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के फास्ट ट्रैक रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। हमारे पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, स्थिति एवं विस्तार और राज्य प्रतीक चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। और इससे संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपके द्वारा कोई सुझाव देना है तो आप उसे भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं और देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछने के चांसेस हैं और ऐसे सवाल जो CGPSC या फिर CG-व्यापम में बार बार पूछे जाते हैं, मतलब कि जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए पहाड़ों के, बी मैदानों और नदियों के बेसिन, सी पठारों के और डी पाटों के। एक्चुअल में यहाँ पर ये तो चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन को शो कर रहे हैं, मतलब कि सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को भौगोलिक दृष्टिकोण से चार भागों में विभाजित किया गया है। और ये चार भाग कौन कौन से हैं, इसमें पहला भाग है पूर्वी बघेलखंड का पठार। इस हिस्से को पूर्वी बघेलखंड का पठार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है। ठीक, दूसरा पार्ट है जशपुर कुसमी या जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ये जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है और इसे जशपुर कुसमी या फिर सामरी पाट प्रदेश कहा जाता है। इसका तीसरा भाग है छत्तीसगढ़ का मैदान। ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ का मैदानी हिस्सा है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। और चौथा भाग है दंडकारण्य का पठार, जो कि दंडकारण्य का हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा सरगुजा संभाग का हिस्सा, ये दो भागों में बटा हुआ है। जो बीच का हिस्सा है, ये बीच के हिस्से के अंतर्गत बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग आता है और नीचे बस्तर का संभाग, ये बस्तर के संभाग के अंतर्गत दंडकारण्य का पठार आता है। अब देखें कि परसेंट कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का एरिया 218.63.24 किलोमीटर स्क्वायर है, ये पहला भाग है। ठीक है, दूसरा हिस्सा जशपुर पाट प्रदेश का हिस्सा 6208 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरा, महानदी बेसिन का हिस्सा 68064 किलोमीटर स्क्वायर है और दंडकारण्य का हिस्सा 39060 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि ये जो एरिया है ना, ये छत्तीसगढ़ के कुल एरिया का 16.16% है। छत्तीसगढ़ का कुल एरिया कितना है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 135192 किलोमीटर स्क्वायर। हमने कल देखा था ना, इसे याद होना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है 135192 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस टोटल एरिया का 16.16% पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। वहीं पर जशपुर पाट प्रदेश की बात करें तो 4.59% हिस्सा जशपुर पाट प्रदेश का है, 50.34% हिस्सा छत्तीसगढ़ का मैदान या इसे ही महानदी बेसिन कहा जाता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है और दंडकारण्य का हिस्सा 28.91% है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग 50% हिस्सा जो है वो मैदानी क्षेत्र का है। लेकिन हमने कल ही देखा था, कल के लेक्चर में देखा था कि क्या ये पूरा एरिया मैदान का है, तो नहीं, ये पूरा एरिया मैदान का नहीं है। ये जो कॉर्नर का हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा जो है, यहां पर क्या है, तो यहां पर मैकल श्रेणी है। और अगर हम
इधर ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेंड्रा लोरमी का पठार है। वहीं अगर हम महासमुंद की यहाँ पर छोरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर शिशुपाल की पहाड़ी है, ठीक। तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि ये छत्तीसगढ़ का मैदान भी सीमांत उच्च भूमि से लगा हुआ है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती क्षेत्र है ये उच्च भूमि है और बीच का क्षेत्र मैदानी हिस्सा है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि उत्तर में भी पठारी क्षेत्र है, दक्षिण में भी पठारी क्षेत्र है और कॉर्नर में भी उच्च भूमि है। तो हम परसेंटेज को ही अगर ऐड कर ले तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 28+16 कितना होगा, 44% एरिया तो प्योरली पठारों का है, ठीक है, और यहाँ पर भी उच्च भूमि है। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो पठारों के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दंडकारण्य का पठार निम्न में से किस जिले में विस्तृत नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं वो दंडकारण्य के पठार का हिस्सा हैं, ठीक। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि दंडकारण्य का पठार अगर हम देखें, यहीं पर देख लेते हैं, तो ये है दंडकारण्य का पठार का हिस्सा। पूरा बस्तर संभाग में विस्तृत है ये दंडकारण्य का पठार। इसका मतलब ये है कि हमें ऑप्शन में दिया गया है ए बालोद, बी बस्तर, सी बीजापुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा जिला है जो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, कभी कभी बहुत सिंपल सवाल भी पूछ दिया जाता है और स्टूडेंट्स चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर का जो चौथा ऑप्शन है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इनमें से कोई नहीं। जब भी सवाल में अगर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अप टू 60% चांसेस होते हैं कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन हो तो आप सतर्क हो जाइए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए बस्तर जिला और बीजापुर जिला ये बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो बालोद जिला है ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है और ये छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो कि दंडकारण्य के पठार का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं और हमें सही उत्तर को चुनना है। देखिए अगर आप छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित सवालों को अगर आप हल करें तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बने हुए सवालों को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं या फिर मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछे जाते हैं या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। हाँ वन वर्ड वाले सवाल भी आते हैं लेकिन वो तो आपसे वैसे भी सॉल्व होने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपको इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर चार स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है, मैकल का पश्चिमी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, छोटा नागपुर के पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर चार भौतिक प्रदेश के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा, बघेलखंड का पठार, मैकल का पश्चिमी हिस्सा, दंडकारण्य का पठार और छोटा नागपुर का पठार। जब तक हमें इन चारों की स्थिति का पता नहीं होगा तब तक हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह है कि अब छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति के मैप को देखकर बस बात नहीं बनने वाली है, अब हमें भारत की भौगोलिक स्थिति को भी देखना होगा और स्पेशली ये जानना होगा कि भारत के कौन कौन से हिस्से में पठार स्थित हैं, ठीक है। तो ये है भारत का मैप, जहां पर ये देखिए हमारे काम के पठार की बात करेंगे हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार,
ये है दंडकारण्य का पठार और ये है बघेलखंड का पठार। अगर हम इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ इस प्रकार से लाई करता है, ठीक, ऐसा मान के चलिए। तो क्या समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का ये वाला जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहां पर है छोटा नागपुर का पठार और वहीं पर बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। नीचे हम देखें तो दंडकारण्य के पठार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से हम पहले स्थिति को समझेंगे और उसके बाद फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मैप में भी आप देख सकते हैं कि ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, और हमारा जो मैकल रेंज है छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो इस पार्ट को लिए हुए है। वहीं पर बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का ये पूर्वी हिस्सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में विस्तृत है, ठीक। तो अब हमने सारी स्थिति समझ ली है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है। तो हाँ, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है वो बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा, मैकल का पश्चिमी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा मैप में कि मैकल का पश्चिमी हिस्सा नहीं आता बल्कि पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है। तो हमने मैप में देखा कि हाँ, दंडकारण्य का पठार जो है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट, छोटा नागपुर के पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा मैप में कि छोटा नागपुर के पठार का उत्तर पूर्वी नहीं, उत्तर पश्चिमी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक और तीन सही है। तो एक और तीन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, एक और तीन सही है। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा है छत्तीसगढ़, और वहां पर स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो हम देख रहे हैं कि वो सभी तरफ से पठारों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़, हमने अभी मैप में देखा ना, तो ये स्थिति आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फिर से यहाँ पर पांच स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको विचार करना है और सही कथन को चुनना है। वन बाय वन करके हम पढ़ते जाते हैं और पैरेलली सॉल्व करते हैं, ठीक। पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के 16.16% क्षेत्र में विस्तृत है। तो हमने देखा था कि पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर में विस्तृत है, और हाँ, ये छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसका ढाल पूर्व की ओर है, तो समझने का प्रयास करते हैं। ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। यहां पर आपको दिख रहा है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, यहां से देखिए, बनास, गोपद, रिहन और कन्हार, ये सभी नदियां जो है उत्तर की तरफ जा रही है और सोन नदी में मिल जा रही है। इसका मतलब यही है ना कि इसका ढाल जो है वो उत्तर की तरफ है, पूर्व की तरफ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसका ढाल पूर्व की तरफ नहीं बल्कि उत्तर की तरफ है। अगला स्टेटमेंट, छुरी उदयपुर की पहाड़ी इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। मैप हमारे पास तो मैप है, हम यहां से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपको कहीं दिख रही है, नहीं। छुरी उदयपुर की पहाड़ी ये कोरबा, स्पेशली कोरबा और रायगढ़ जिले में विस्तृत है, ठीक है। तो चूंकि ये है सरगुजा, ये जो इसका दक्षिणतम बिंदु है ये सरगुजा, तो ये देखिए यहाँ पर ये छुरी मतरिंगा की पहाड़ी है,
ठीक है, उदयपुर की पहाड़ी नहीं है। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी जो है कोरबा और रायगढ़ जिले में मिश्रित है। तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का तो हिस्सा नहीं है। तो अगर ये हिस्सा ही नहीं है तो फिर क्या हमने क्या देखा था सवाल में कि दक्षिण पूर्वी हिस्सा, तो दक्षिण पूर्वी हिस्सा कहाँ से, ये हिस्सा ही नहीं है। ठीक, तो ये यहाँ पर समझिएगा कि छुरी उदयपुर की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा नहीं है। अगला स्टेटमेंट, इसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ है। हाँ, ये करेक्ट है। ये देखिए, ये है देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। ध्यान में रखिएगा कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या पठारी क्षेत्र हैं यहाँ, उसकी ऊंची चोटी की हाइट पूछी जाती है CGPSC में, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि देवगढ़ की पहाड़ी की जो ऊंचाई है, उसकी ऊंची चोटी है, उसकी हाइट कितनी है, तो 1033 मीटर है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट, इस क्षेत्र में केवल गंगा अपवाह तंत्र की नदियां बहती है। तो नहीं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है, तो ये हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है पूर्वी बघेलखंड के पठार का मैप, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये गंगा अपवाह तंत्र की नदी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी नदियां सोन नदी में जाकर मिल जा रही है, और उसके बाद वो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। लेकिन थोड़ा नीचे देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर हम नीचे देख रहे हैं कि कैमूर सोनहत की पहाड़ी से हसदेव नदी निकलती है, जो कि सोनादेही में जाकर महानदी से मिल जाती है। वहीं पर मेन पार्ट से यहाँ पर, ठीक है, मेन पार्ट से मांड नदी निकलती है, जो कि चंद्रपुर में महानदी से जाकर मिल जाती है। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पूर्वी बघेलखंड के हिस्से से क्या केवल गंगा अपवाह तंत्र की नदियां बहती हैं? तो नहीं, इस हिस्से में गंगा या फिर सोन नदी अपवाह तंत्र की नदियां ही नहीं, बल्कि महानदी अपवाह तंत्र की नदियां भी बहती हैं। अगर सवाल में ये पूछा जाता, अगर स्टेटमेंट ये कहा जाता कि इस क्षेत्र में गंगा अपवाह तंत्र की नदियां बहती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, इन दोनों स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। पहले हम इस पे ही आते हैं। यहां पर लिखा है, क्षेत्र में केवल गंगा अपवाह तंत्र की नदियां बहती है। तो अगर ये केवल नहीं होता ना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था कि हाँ, पूर्वी बघेलखंड के पठार के क्षेत्र में गंगा अपवाह तंत्र की नदियां बहती है। लेकिन क्या केवल गंगा अपवाह तंत्र की नदियां बहती है? तो नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। उसी प्रकार से छुरी उदयपुर की पहाड़ी इसका दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। तो देखिए, शब्दों का फेर है, हिस्सा नहीं है, ये इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, मतलब कि दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थित है, लेकिन पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा तो नहीं है। तो अगर ये हिस्सा शब्द नहीं आया होता, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर हिस्सा कह दिया गया, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार से जितने भी कथन दिए गए हैं, उसे आपको एक बार नहीं, दो बार पढ़ना है, और उसके बाद तर्क लगा कर ही किसी रिजल्ट पर पहुंचना है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट, ये दोनों कथन करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक और चार सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, जब भी आप सवाल पढ़ें और सवाल में अगर कोई नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले आप उसे मार कीजिए, क्योंकि सवाल पढ़ते पढ़ते हम ये भूल ही जाते हैं कि नहीं पूछा गया है, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। ठीक, पहला स्टेटमेंट, जशपुर कुसमी पाट का धरातल सीढ़ी नुमा है। सीधी सी बात है, पाट प्रदेश कहाँ किसे जाता है? तो ऐसा भूभाग जिसका शीर्ष समतल हो और उसका ढाल सीढ़ी नुमा हो, इसे ही पाट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, ये पाटों में होता है, एक पाट, दूसरा पाट, तीसरा पाट, चौथा पाट। तो इस प्रकार से इसकी आकृति पाट में होती है, इसलिए इसे पाट प्रदेश कहा जाता है। तो हाँ, इसका धरातल कैसा होता है?
सीढ़ी नुमा होता है, इसके ढाल का घर आकर सीढ़ी नुमा होता है। ठीक, तो ये कथन तो करेक्ट है। अगला कथन, इसके उत्तर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कर्क रेखा कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है, तो हाँ इसके उत्तर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला स्टेटमेंट, इस पाक प्रदेश का सबसे बड़ा भाग नीच घाट के अंतर्गत आता है, और उसके बाद का स्टेटमेंट है इसकी सबसे ऊंची चोटी गौरालाटा ऊपर घाट में स्थित है। तो ये नीच घाट और ये ऊपर घाट क्या है, तो आइए समझने का इसे प्रयास करते हैं। तो ये है जशपुर पाट प्रदेश का मैप। तो देखिए, ये पूरा बलरामपुर और ये पंडरापाट, पंडरापाट बगीचा तहसील में फैला हुआ है, ठीक है। ये पूरा एरिया, इसे ऊपरी घाट कहा जाता है। ऊपरी घाट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है। और ये नीचे का जशपुर का ये वाला हिस्सा, इसे नीच घाट कहा जाता है, क्योंकि इसकी हाइट इससे कम है। ठीक, कितनी है ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उस पे आप जाइएगा नहीं। और ये है जारंग पार्ट और मेन पार्ट का हिस्सा। तो यहां पर आप ध्यान में रखिएगा कि सामरी पार्ट के अंतर्गत गौरलाटा, गौरलाटा सामरी पार्ट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 12-25 मीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, ठीक है। मेन पार्ट की ऊंचाई है 1152 मीटर, जारंग पार्ट की ऊंचाई है 1045 मीटर। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, उससे कम है इसकी हाइट और उससे कम है इसकी हाइट। और यहां पर क्या है, यहां पर मैनी नदी बह रही है और ईब नदी बह रही है, मतलब यहां पर ईब मैनी की घाटी है, और इसीलिए इस नीच घाट को हेत घाट या ईब मैनी की घाटी भी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, ये वाला हिस्सा ऊपरी घाट कहलाता है, ये वाला हिस्सा नीच घाट कहलाता है, और जारंग पार्ट और मेन पार्ट को सेपरेटली जाना जाता है। ठीक, तो ये है जशपुर पाट प्रदेश। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट है इस पाट प्रदेश का सबसे बड़ा भाग नीच घाट के अंतर्गत आता है, तो हाँ आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा ऊपर घाट में स्थित है, तो हाँ स्थित है। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कोई सा भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कि गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, जशपुर पाट प्रदेश निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र से नहीं घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए छोटा नागपुर का पठार, बी बघेलखंड का पठार, सी महानदी और डी दक्कन का पठार। तो देखिए, दक्कन का पठार कहाँ है भारत के मैप में, तो दक्कन का पठार यहाँ है, ये महाराष्ट्र जिले में विस्तृत है। और छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो दक्कन का पठार तो कहीं से भी कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, बघेलखंड का पठार है, तेलंगाना का पठार है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि किस भौगोलिक क्षेत्र से नहीं घिरा है, तो दक्कन के पठार भौगोलिक क्षेत्र से नहीं घिरा है। अगर सवाल इस प्रकार से पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, तो पहले तो नहीं को मार्क करिए और कौन सा है इसमें मत उलझिए। अब आप सोचेंगे कि बघेलखंड का पठार जशपुर पाट प्रदेश को छूता है कि नहीं, तो हमने देखा है ना कि जशपुर पाट प्रदेश का उत्तर पूर्वी दिशा में पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार वो तो उसका हिस्सा ही है, महानदी बेसिन दक्षिण में है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसके पड़ोस में लाए करते हैं, लेकिन दक्कन का पठार बहुत दूर है। तो क्या है इस पे उलझने से बेहतर है, क्या नहीं है इसको जान लेना। तो नहीं क्या है, तो दक्कन का पठार नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। अगला सवाल सुमेलित कीजिए, एक तरफ पाट प्रदेश के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। देखिए, इस सवाल को
वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। आपको बस ये कह दिया जाए कि सबसे ऊंचा पहाड़ प्रदेश कौन सा है, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा पहाड़ प्रदेश कौन सा है, और आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको उसमें से एक आंसर चुनना होगा। लेकिन जब हम मैच द फॉलोइंग में इसे सॉल्व करते रहते हैं तो हमें ये समझना है कि हम एक सवाल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साथ चार या पांच सवालों की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला पहाड़ प्रदेश क्या दिया गया है, जशपुर पहाड़। सभी पहाड़ प्रदेश को देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं, वन बाई वन करके नहीं, पैरेलल ही देख लेते हैं। ठीक है, जशपुर पहाड़, सामरी पहाड़, पंडरा पहाड़, जारंग पहाड़ और मेन पहाड़, सभी पहाड़ प्रदेश का नाम यहाँ पर दिया गया है ना। और क्या क्या कहा गया है कि ईब नदी का उद्गम स्थल है। ईब नदी कहाँ से बहती है हम ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये है ईब नदी, ठीक। ईब नदी पंडरा पहाड़ के अंतर्गत खुर्जा की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो ईब नदी जो है किसका हिस्सा है, पंडरा पहाड़ का हिस्सा है। तो हम इसे मैच कर लेते हैं, तो वन का मैच क्या होगा, थ्री। बॉक्साइट का सबसे बड़ा मैदान, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहाड़ प्रदेश में दक्कन ट्रैप पाए जाते हैं जहां पर बॉक्साइट खनिज मिलते हैं। तो ये जो बॉक्साइट खनिज है इसका सबसे बड़ा मैदान यहाँ है, ये वाला जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में है। जारंग पार्ट में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा मैदान कहाँ है, तो जारंग पार्ट में है, ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भूभाग। हमने देखा था ना पिछले क्वेश्चन में कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी सामरी पार्ट के अंतर्गत गौरलाटा है, 1225 मीटर की ऊंचाई है। तो तीसरा का मैच क्या हो जाएगा, सामरी पार्ट। चौथा, राज्य के सबसे ठंडे प्रदेशों में से एक, हमने इसके बारे में भी जाना था कि राज्य के सबसे ठंडे प्रदेशों में से एक है मेन पार्ट, इसकी ऊंचाई है 1152 मीटर और इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। तो इसका मैच हो जाएगा मेन पार्ट। राज्य का सबसे बड़ा पहाड़ प्रदेश, इसे भी हमने देखा था ना, राज्य का सबसे बड़ा पहाड़ प्रदेश नीच घाट के अंतर्गत हमने देखा था, वो जशपुर पहाड़ का एरिया है ना, हम फिर से एक बार मैप में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये है सबसे बड़ा पहाड़ प्रदेश, देखिए ये पूरा जशपुर पहाड़ है, इसे हम क्लियर करके समझ लेते हैं थोड़ा और। ये देखिए, ये है पूरा एरिया, सबसे बड़ा हिस्सा है जशपुर पहाड़ का, ठीक है, इसे जशपुर पहाड़ कहा जाता है, ठीक। तो इसका मैच क्या हो जाएगा, आ का फाइव। तो करेक्ट आंसर क्या है देखते हैं, आ का फाइव। आ का फाइव कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन ये नहीं कि हमने एक मैच देख लिया तो बाकी को हम करेक्ट करके आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं, हम सबको मैच करेंगे। ब का थ्री है, हाँ ब का थ्री है। स का वन है, तो हाँ है। द का दो है, तो हाँ है। और ई का फोर है, ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, छुरी और उदयपुर पहाड़ी के मध्य कौन सी नदी बहती है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां, ये छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है, ये सीमांत भूमि के, उच्च सीमांत भूमि के अंतर्गत आता है। देखिए, ये है मैप छत्तीसगढ़ के मैदान का, और ये वाला हिस्सा है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो देखिए, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी और ये छुरी उदयपुर की पहाड़ी, और इसके बीचों बीच ये बह रही है मांड नदी, जो कि चंद्रपुर में महानदी से आकर मिल जाती है, ठीक। तो इसके बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, तो इसके बीचों बीच बहती है मांड नदी। महानदी तो वैसे भी नहीं बह सकती है, हसदेव नदी इस तरफ बहती है, ठीक है। तो डाउट अगर होगा तो या तो केलो में होगा या तो फिर मांड में होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि मांड नदी छुरी उदयपुर की पहाड़ी के बीचों बीच बहती है, ठीक। अगला सवाल, पेंड्रा लोरमी का पठार किन जिलों में विस्तृत नहीं है। फिर से नहीं पूछा गया है, इस नहीं को मार कर लीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है देखिए, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा और जांजगीर चांपा। तो सीधी सी बात है, नाम में ही देखिए पेंड्रा लोरमी का पठार कहा गया है,
और मुंगेली जिले के अंतर्गत लोरमी तहसील आता है, तो मुंगेली तो होगा ही, मुंगेली में तो विस्तृत है ही, पेंड्रा में भी विस्तृत है, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही भी इस जिले के भी अंतर्गत ही विस्तृत है। अब बच गए दो ऑप्शन, या तो कोरबा या तो जांजगीर चांपा। तो हम ऐसे भी समझने का प्रयास करें कि जांजगीर चांपा थोड़ा दूर है और मुंगेली और गौरेला पेंड्रा मरवाही से समीप में लगा हुआ है कोरबा का क्षेत्र, कोरबा का जो कटघोरा का एरिया है ना, यहाँ पर पेंड्रा लोरमी का पठार विस्तृत है। ये देखिए मैप में, देखिए मैप में ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए पेंड्रा लोरमी का पठार, ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये है जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में तो ये विस्तृत नहीं है, ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो ऊपर कोरबा में विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा, जहां पर ये पेंड्रा लोरमी का पठार विस्तृत नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है। तो पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि केशकाल घाटी कहाँ है। तो केशकाल घाटी कांकेर कोंडागांव मार्ग में कोंडागांव जिले के अंतर्गत केशकाल तहसील में विस्तृत है। ठीक है, ये एक घाटी है, घाटी का मतलब क्या होता है, पहाड़ों के बीच का गड्ढा। ये मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे हम घाटी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 12 मोड़ है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा, मैप में अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये है दंडकारण्य के पठार का मैप, और यहां से हम समझते हैं कि केशकाल घाटी कहाँ पर है। तो देखिए ये वाला हिस्सा है केशकाल घाटी का, ये है कोंडागांव जिला और यहाँ पर है केशकाल का तहसील। तो यहाँ पर है केशकाल का घाटी। अब और थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिएगा, नीचे इंद्रावती नदी बह रही है, ठीक, और ऊपर महानदी बह रही है, तो महानदी का जल नीचे नहीं आ सकता और इंद्रावती का जल ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ये, इधर ये बस्तर के पठार का हिस्सा है ना, बस्तर के पठार में ये केशकाल घाटी है, ठीक है, और इधर भी पठारी हिस्सा है, पहाड़ी हिस्सा है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, क्या ये बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के बेसिन को अलग करता है, तो नहीं, बघेलखंड का पठार तो उत्तर में है, छत्तीसगढ़ बेसिन और मैकल श्रेणी को विभाजित करता है, तो नहीं, मैकल श्रेणी तो इस तरफ है, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार को विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि हाँ, ये छत्तीसगढ़ का बेसिन जो कि छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है और नीचे दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत बस्तर के पठार को विभाजित करता है। ठीक, तो ये दो भौतिक क्षेत्रों के बीच है, ये दो भौतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़ का बेसिन और बस्तर का पठार। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि केशकाल घाटी महानदी और इंद्रावती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए जशपुर साम्रीपाट प्रदेश, बी पूर्वी बघेलखंड का पठार, सी महानदी बेसिन और डी दंडकारण्य का पठार। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, इस प्रकार के सवाल भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं और हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में कोई जानकारी होती ही नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल महानदी बेसिन को कहा जाता है, या फिर मैं ये कहूँ छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। अगला सवाल, शिवनाथ महानदी की घाटी महानदी के किस भाग में स्थित है। तो शिवनाथ और महानदी की घाटी के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो एरिया जो कि शिवनाथ नदी और महानदी से घिरा हुआ होगा उसे ही शिवनाथ महानदी की घाटी कहा जाएगा। तो मैप में देखते हैं कि ये महानदी बेसिन के कहां पर है। तो ये महानदी बेसिन के, देखिए ये है शिवनाथ नदी और ये है महानदी, ये कहां से निकलती है, कहां जाकर महानदी से मिल जाती है, हम ये सारी चर्चा छत्तीसगढ़ के नदियां जल संसाधन जल प्रपात में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बस इतना देख रहे हैं कि महानदी घाटी के
कौन से दिशा में ये शिवनाथ महानदी की घाटी विस्तृत है? ठीक है, तो ये पूरा महानदी का घाटी है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दक्षिण में विस्तृत है। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में विस्तृत है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला सवाल है सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, एक तरफ सूची वन में नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ ऐसा कोई भौगोलिक प्रदेश या भूभाग जो कि इन दोनों नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, उसके नाम दिए गए हैं और आपको इसे मैच करना है। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, शिवनाथ और वेनगंगा। वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश राज्य के शिवनी जिले से निकलती है और उसके बाद ये यहाँ गोदावरी पे आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये है वेनगंगा नदी। ठीक है, हमने इन दोनों की स्थिति समझ ली, महानदी और इंद्रावती की स्थिति तो हमें पहले ही पता है। ठीक, सोन नदी और महानदी की स्थिति समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है सोन नदी, ऊपर ये सोन नदी है और नीचे नीचे बह रही है महानदी। ठीक, और उसके बाद लास्ट है गोपद और रिहंद। तो गोपद रिहंद के बारे में हम जाने तो ये है गोपद नदी और ये है रिहंद नदी और इसके बीच में है देवसर की पहाड़ी और इन दोनों के बीच में है बघेलखंड का पठार। ठीक, इतना समझ में आ गया, अब हमसे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हमने क्या देखा, सोन नदी और महानदी के बीच में क्या है, तो बघेलखंड का पठार है। गोपद और रिहंद के बीच में क्या है, तो देवसर की पहाड़ी है। ठीक है, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि महानदी और इंद्रावती के बीच में केशकाल है। ठीक, और शिवनाथ और वेनगंगा के बीच में मैकर श्रेणी है। तो इस प्रकार से ये इसका करेक्ट मैच हो जाएगा कि शिवनाथ और वेनगंगा नदी को इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य मैकल श्रेणी करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि महानदी और इंद्रावती नदी के बीच में केशकाल घाटी है, सोन नदी और महानदी के बीच में पूर्वी बघेलखंड का पठार है और गोपद और रिहंद के बीच में देवसर की पहाड़ी है। ठीक है, तो करेक्ट मैच है अ का दो। अ का दो कहाँ है, यहाँ पर है। ब का फोर, ठीक है, स का एक, ये भी करेक्ट है, और डी का थ्री। ठीक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल फिर से सुमे लिख कीजिए। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से। ठीक है, ध्यान में दीजिएगा, एक तरफ पहाड़ या चोटी के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसकी ऊंचाई दी गई है और आपको इसे मैच करना है। तो हमने कुछ पहाड़ी क्षेत्र और उसकी चोटियों के बारे में चर्चा तो की ही है, अगर इतना भी हमें याद है ना तो ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमको इसमें से कौन कौन सी चोटी के बारे में पता है। तो शायद तो हमने इसमें से किसी की भी चर्चा नहीं की है। ठीक है, देख लेते हैं। पलमा, पलमा की चोटी पिंडरा लोरमी पठार में विस्तृत है और इसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। यहां पर अगर हम मैप में देखें तो मैप में कहां पर है, ये पिंडरा लोरमी का पठार है और यहां पर पलमा की पहाड़ी है, पलमा की चोटी है। ठीक, दूसरा डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ कहाँ विस्तृत है, तो डोंगरगढ़ मैकल श्रेणी में विस्तृत है, राजनांदगांव जिले के अंतर्गत ये आता है और राजनांदगांव जिले के अंतर्गत हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये है डोंगरगढ़, 704 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो हमने दो मैच कर लिया है, वैसे बाकी सबकी हाइट पता है हमें, लेकिन फिर भी हम सवाल को ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि हमें केवल और केवल दो की हाइट पता है, कि पलमा की 4 है और डोंगरगढ़ की 5 है मैच। ठीक, तो अ का 4 और ब का 5 कहाँ कहाँ है देखते हैं। अ का 4 और ब का 5, अरे हमको तो और आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमें यही समझ में आ रहा है कि ब का स का 2 है, स का 2 मतलब अबू जमाड़ की हाइट कितनी है, 1076 मीटर है। हम यहां तक पहुंच गए, अब हमें ध्यान देना है कि बदरगढ़ और बैलाडीला में
बदरगढ़ की हाइट कितनी है और बैलाडीला की हाइट कितनी है। तो आपको पता है कि दंतेवाड़ा क्षेत्र में बैलाडीला की पहाड़ी विस्तृत है और इसकी ऊंची चोटी है नंदीराज। नंदीराज की हाइट है 12.10 मीटर और बदरगढ़ की 1176। ठीक है, तो सवाल को कभी कभी आप आंसर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमने दो में देखा था ना, तो बदरगढ़ की हाइट कितनी है 1176, मतलब कि द का क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे हाइट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी मैच द फॉलोइंग में, तो कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ दिया जाएगा कि बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है, या फिर इस प्रकार से सवाल पूछा सकता है कि बदरगढ़ की पहाड़ी किस भूभाग के अंतर्गत विस्तृत है, तो ये मैकल श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत है। अगला सवाल, उसूर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए बीजापुर, बी कांकेर, सी बस्तर और डी जशपुर। तो उसूर की पहाड़ी ना बीजापुर में विस्तृत है। अलबाका हिल, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है CGPSC और व्यापम में, अलबाका हिल जो है ये भी बीजापुर में ही विस्तृत है। कैसे कहाँ लाई करता है हम आगे देखेंगे, पहले इन दोनों सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, गोलापल्ली का पठार किस जिले में विस्तृत है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए कोंडागांव, बी दंतेवाड़ा, सी सुकमा और डी बीजापुर। तो ये सुकमा में विस्तृत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब कहाँ कहाँ विस्तृत है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि कभी कभी इस प्रकार के सवाल भी पूछे जाते हैं जहां पर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कोई पहाड़ी कहाँ पर है, मतलब कि भौतिक विभाजन से संबंधित अगर हम सवाल देखते हैं तो कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो हमारी समझ को चेक करते हैं कि हमारी समझ कैसी है। इसका मतलब ये कि पूर्वी बघेलखंड का पठार कहाँ स्थित है, नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, ये छत्तीसगढ़ के किस हिस्से में आता है, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो कभी कभी सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि हाइट पूछ दिया जाता है। हाइट का मतलब ये कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा भाग किधर है, तो उत्तर के साइड में है। मैदानी भाग कौन सा है, तो बीच का हिस्सा है। तो सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहाड़ों से रिलेटेड सवाल हाइट से भी आ सकते हैं, वो कहाँ स्थित है यहाँ से भी आ सकते हैं, और नदी घाटी से संबंधित सवाल भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हमको सबकी तैयारी यहाँ पर करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि ये बीजापुर में उसूर की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये है दंडकारण्य का पठार और यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। बीजापुर जिले के अंतर्गत बीजापुर तहसील और इधर सुकमा जिले के अंतर्गत कोंटा तहसील, यहाँ पर विस्तृत है बीजापुर का मैदान और इसे ही गोदावरी सबरी की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पर ये तीनों पहाड़ी क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ है तो इसे भी समझ लेते हैं। तो बीजापुर तहसील के पश्चिम में है उसूर की पहाड़ी, इसके उत्तर में अलबाका हिल है और यहां सुकमा जिले के अंतर्गत कोंटा के दक्षिण में गोलापल्ली की पहाड़ी है। ठीक, तो ये ध्यान में रहेगा कि उसूर की पहाड़ी और अलबाका हिल ये कहां है, बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है और नीचे सुकमा जिले के अंतर्गत आता है गोलापल्ली का पहाड़। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन से संबंधित सवाल पिछले वर्षों में CGPSC में पूछे गए हैं और आगे इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, जलवायु और मिट्टी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल CGPSC में पूछे जाते हैं या फिर CGPSC 3 में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।